हेलो पीपल वेलकम बैक टू द चैनल अगेन फाइनली आज मैं वो फुटबॉल लेके आया हूँ जो बहुत टाइम से बहुत पहले आ जानी चाहिए थी चैनल पे पर नहीं आई थी बट समहाउ था ऐसा मार्केट में निव्या हैड हेल्ड बैक द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फुटबॉल आई एम गेसिंग क्योंकि मार्केट में कहीं नहीं मिल रही थी ये फुटबॉल फाइनली इट्स टाइम फॉर निव्या रबोना एक निव्या रबोना भी आती है ये प्रो वर्जन में लेके आया हूँ भाई आप लोगों ने बहुत बार मुझे बोला था ये फुटबॉल लाने के लिए सो येस आई गॉट दिस फुटबॉल वी गोइंग टू रिव्यू दिस बॉल कंप्लीटली एज आई डू बस मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आज डालूंगा टू रिव्यू दिस फुटबॉल एंड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड द बिल्टऑफ द फुटबॉल ताकि मैं करेक्ट आपको एक एक्ूरेट रिव्यू दे पाऊँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे जेन्यनली बोला है विथ ऑल दे सिंसियरिटी कि आप ये फुटबॉल प्लीज रिव्यू कर दो तो हम एग्जैक्टली exactly वही करेंगे आज के वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग को कर देना है ना लेट्स गेट टू द वीडियो प्लीज सो दिस इज द निव्या रबोना प्रो राइट यर यू कैन सी नया लोगो दिया हुआ है निव्या का रबोना प्रो यहाँ पे इट हैज द यू नो इट्स द गि निव्या के ये जो ब्लेड आते हैं पॉइंट करते हैं वो टिपिकल यहाँ पर दिया गया है दिस गुड कलर स्कीम एज वेल नॉट वेरी गुड बट ठीक है एवरेज है थर्टी टू पैनल कंस्ट्रक्शन मिल जाता है इसके अंदर पैनल जिन्हें नहीं पता ऐसे थर्टी टू पैनल होते हैंगज बने होते हैं ऐसे ऑल ओवर द फुटबॉल थर्टी टू है दिस इज अ मशीन स्टिच फुटबॉल देखो यहाँ पर भी दिया गया मशीन स्टिच फुटबॉल है ये ऑब्वियसली मेड इन इंडिया गुड थिंग अबाउट द फुटबॉल इज दैट इट्स एन ऑल वेद ऑल सर्फेज फुटबॉल मटीरियल इसका आप ऊपर अगर फील करो तो ग्लॉसी टी पी यू लेयरिंग आपको इसके अंदर फील होती है थोड़ा अगर आप इसको प्रेस भी करोगे ना तो येस यू कैन फील थोड़ी फोम पैडिंग है ऐसा नहीं है लेकिन आई डोंट थिंक इट्स इनफ बट येस थोड़ा बहुत आप ब्लैडर भी फील कर सकते हो दैट्स द रीजन आएम से इट्स नॉट इनफ एंड द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग अबाउट द फुटबॉल इज़ दैट इज द फीफा बेसिक फुटबॉल बाई ये छापा है इस फुटबॉल के अंदर यानी कि इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो है जो फीफा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है वो करेक्टली दी गई है बट येस वी नो दैट ऑब्वियसली वन वी डू ऑल आर ड्रिल्स जब हम हमारे शॉर्ट्स लेंगे तब पता चलेगा क्या जब हम ड्रिबल करेंगे जगल करेंगे तब हमें और पता चलेगा और क्या क्या चीज़ें फ़ुटबॉल के अंदर द फुटबॉल लुक्स रियली गुड इन माई हैंड्स आर वेल अब ये वैसे ऑल सफेस ऑल वेदर सब के लिए है बट येस आई प्लेड विद दिस फुटबॉल इन रेन एज वेल एंड गिव रियली गुड परफॉर्मेंस अब लेवल इसका मैच बॉल दिया गया है निव्या की वेबसाइट के ऊपर सो येस ये चीज़ भी फुटबॉल के अंदर अच्छी है साइज फाइज में आपको ये वाला फुटबॉल मिल जाता है नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर द ड्रिल्स जहाँ पे हम ये बॉल को और एक्सप्लोर करेंगे लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉप टेस्ट ऑफ द फुटबॉल देखो भाई फीफा बेसिक फुटबॉल है सो ऑब्वियसली वील सी क्या होता I am expecting good results but है आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट बट ठीक है लेट्स सी लेट्स थ्रो ओके

अभी जो ग्रास है ना टर्फ के ऊपर उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यू है अभी भी काफ़ी ज़्यादा वेट है सो तो उस हिसाब से अगर भी बॉल का बाउंस देखो तो भी बहुत अच्छा था लेट्स आर्ट जगलिंग विद द फुटबॉल देखो मैंने बोला था स्पेसिफिकेशन के टाइम कि फुटबॉल के अंदर आप ब्लैडर फील कर सकते हो लेकिन फोम पैडिंग भी है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली पैरों पे कैसा फील करके जगल करते हैं तो पता चलेगा लेट्स स्टार्ट नाउ इट्स टाइम फॉर ड्रिबलिंग मैं एक बार देखना चाहता हूँ ऑब्वियसली हमने जगल किया बट एक्चुअली ट्रैवल कैसा करता है बिकॉज इट सेट्स एन ऑल सर्फेज फुटबॉल तो भाई कैसे ट्रैवल करती है कैसे नहीं करती है वो मैं देखना चाहूँगा ऑब्वियसली फॉर द शॉर्ट्स अब तक बॉल मुझे काफी ज्यादा हार्ड काफी ज्यादा तो नहीं बट हा एक हार्डनेस है फुटबॉल के अंदर जो आपको पैरों पर फील होती है बट वील टॉक अबाउट दिस मोर जब ये सारी चीजें हो जाएगी नाउ लेट स्टार्ट विध शॉर्ट्स ऑल एट पीपल्स वी डिड एवरी थिंग विद द फुटबॉल आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस फुटबॉल ऑनस्टली मैं बोलूँ आई विल गिव यू माई रीजन्स बट आई ऑल्सो टेल यू द गुड पार्ट अबाउट द फुटबॉल एज वेल अब देखो दिस इज़ अ हेवी फुटबॉल जैसे आप हाथ में पकड़ोगे ना ये फुटबॉल तो ये फुटबॉल आपको फोर सेवेंटी ग्राम्स की लगती है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शायद आधा किलो की फुटबॉल भी लगे इच इज़ एज गुड एज फाइव हंड्रेड ग्राम्स तो ये है फुटबॉल के अंदर इजीली लॉफ्ट नहीं होती है हो जाएगी ऐसा नहीं है बट यूल टेक टाइम विद द फुटबॉल टू गेट यूज टू इट ठीक है तो ये बॉल के अंदर थोड़ी बहुत बात है बारिश में क्योंकि मैंने फुटबॉल के साथ खेला है लाइक लिटरली रेन रेन में खेला है मैंनेवी रेन में तब बॉल अच्छा वर्क कर रही थी जो कि ऑल्स ऑफिस ऑल वेदर वाली जो इसकी जो चीज़ है दैट वर्कड रियली वेल अनदर प्रॉब्लम दैट आई हैव विद द फुटबॉल इज ये द बाउंस इज गुड बट इट्स टू मच बाउंस आइर ऑन द ग्राउंड इट्स टू मच बाउंस बट जब आप जगल करना चाहते हो या जब आप शॉर्ट लेना चाहते हो या जब मूवमेंट हो रही है बॉल के साथ उतनी तब ये उतना बाउंस नहीं कर रही क्योंकि इसका वेट उतना हैवी है तो ऑब्वियसली भाई ये थोड़ी बहुत दिक्कत मेरे को फुटबॉल के साथ हैच आई फील डज मेक इट अ गुड फुटबॉल आई मीन इट्स अ गुड फुटबॉल येस इट्स अ फीफा बेसिक फुटबॉल बट आई थिंक द बिल्ड क्वालिटी शुड बीन मोर बेटर ये जो कॉम्बिनेशन है ना आई डोंट थिंक प्लस ब्लाडर भी मैंशन नहीं किया गया कि इसके अंदर कौन सा ब्लाडर दिया गया आई एम अज्यूमिंग इसके अंदर लाटेक्स ब्लाडर होगा इट्स जो इट्स ओनली अनाजामशन बट आई डोंट नो एंड फोम पैडिंग भी कोई खास दी गई है नहीं इसके अंदर आई डोंट नो यार आई आई डिसअग्री विद द लॉर्ड ऑफ थिंग्स इन दिस फुटबॉल टू बी ऑनेस्ट बट ठीक है आई मीन सी द प्राइज ऑफ द फुटबॉल इज़ वन थाउजेंड एंड सिक्सटी रुपीज़ ठीक है अब वन थाउजेंड एंड सिक्सटी रुपीज़ के अंदर एसी फुटबॉल लेना आई डोंट थिंक इट्स द परफेक्ट डील यू कैन बाय बेटर फुटबॉल्स इन द मार्केट सौ रुपये अंदर ज़्यादा डाल के दो सौ रुपये ज़्यादा डाल के या इवन सौ रुपये दो सौ रुपये कम भी डालो और फिर आप कोई कम एज इन प्राइस की फुटबॉल लो तो भी आपका काम चल जाएगा बट निव्या रबोना प्रोडेंट इम्प्रेस मी आई लॉट टू बी ऑनेस्ट आई थॉट बॉल अच्छी होगी जो भी है बिकॉज आप लोग ने इतना बोला कैसी ये मुझे बताओ ये वो सो आई रियली था दैट इट्स गोइंग टू बी अ गुड फुटबॉल ऐसा नहीं है थॉट गुड फुटबॉल बट वो जो मैं बोलता हूँ ना कि एक बैंगर वाली सिचुएशन नहीं फील होती है फुटबॉल के साथ टू बी ऑनस्ट एक बैगर वाली सिचुएशन आई डोंट फील विद द फुटबॉल एनी वे अब ये बॉल है वन थाउजेंड एंड सिक्सटी रुपीज़ की इसके अंदर आपको मिल जाते हैं दो कलर्स एक औरज है एंड एक आई थिंक येलो मिल जाते हैं दिस इज़ द प्रॉपर क्लासिक कलर ऑफ निव्यार अबोनाप प्रो सो येस दिस वॉज इट फॉर द फुटबॉल शॉर्ट्स वेल देव सर्टनली गुड वजट वेरी इम्प्रेस विद द शॉर्ट्स आर वेल क्योंकि लॉफ्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए ताकत तो नहीं बट हाथ यू नीट सम काइंड ऑफ पा ईजिल नहीं जा रही थी मुझे ऐसा लगता है कि जो फुटबॉल इजिली उठ के चले जा रहा है वो बेस्ट फुटबॉल है ऑब्वियसली यू नीट सम काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड सम काइंड ऑफ पावर बट दिस रिक्वायर समथिंग मोर आउट ऑफ इट ड्रिबल वॉज गुड टर्फ के ओबर वॉज एन दाट गुड आई फील ये जो फ़ुटबॉल है ना आपको बेस्ट परफॉर्मेंस तब देगी आप इसको जब हार्ड ग्राउंड पर यूज़ करो तो आई थिंक ये बेटर है जब आप थोड़ा इसको मडी या हार्ड ग्राउंड पर लेके जान लो तो ये फ़ुटबॉल बेटर वर्क करेगी अंड लाइक इन अ सॉफ्ट केस लाइक दिस वन क्योंकि टर्फ के ओबर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें होती है एंड द ग्राउंड एंड सॉफेस इज़ वेरी सॉफ्ट एज वेल सो यार वहाँ पे ये फुटबॉल आपको इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं करेगी बेटर आप हार्ड ग्राउंड पे फुटबॉल लेके जाओ वहाँ पे आपको ये वाली फुटबॉल जितना पोटेंशियल परफॉर्मेंस इसके अंदर है जिस तरह की इसकी बनावट है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बेटर ऑब्वियसली मिल जाएगी ये टिपिकल निव्या की जो बेसिक फुटबॉल होती है ना जो हार्डनेस फील होती है आपको फुटबॉल के अंदर ये इसके अंदर है एंड समटाइम्स इट एक्चुअली हर्ट्स मेरे जूतों के अंदर इतनी फोम पाटेंगे सब कुछ हर चीज़ें लेकिन फिर भी इट हर्ट्स द बॉल इज रियली हैवी आई डोंट नो वट इज द डील विद द फुटबॉल लेकिन यह हैवी फुटबॉल है यार ये लग जेन्य लग रही है आई मीन अगर आप इसको सोच समझ के हेड नहीं करोगे तो यू माइट एक्चुअली गेट इंजर्ड विद द फुटबॉल सो आई थिंक दिस इज अटुटबॉल जहां पर आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा एंड यूल हैव टू एक्चुअली गेट यूज टू इट बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग विद द फुटबॉल वट टू कंक्लूड द वीडियो आई थिंक माई प्रॉब्लम विदुटबॉल if i sum it up i don't know what the football is trying to be is it trying to be a hard ground football is it trying to be an all surface football are they trying to make a light football kya ye koshish kare ki hum heavy or robust football banaye it has an identity crisis dekho har football ki apni ek identity hoti hai क्या football क्या बनना चाहता है किस market में उतरना चाहता है क्या बनाना चाहते हैं निविया आई थिंक ये confused product है by निविया आपको नहीं पता कि ball के साथ करना क्या है आपने दो तीन चीज़ें try की आपने साथ में फिट कर दी बट क्लियरली देर इज़ नो आइडेंटिटी अटैच टू द फुटबॉल जबकि आप एक फुटबॉल लो तो आपको पता चलता है चलो भाई ये हार्ड ग्राउंड के लिए बेस्ट यूजिस टच इट चलो ये सॉफ्ट ग्राउंड के लिए बेस्ट है चलो यू टच इट एंड यू सी इट यू फील इट तो आ जाते हैं इसमें यू कैनॉट जज कि फुटबॉल एक्चुअली कहाँ पोटेंशली आपको बेस्ट यूज़ दे गया लेसन एंटिल यू गो आउट एंड ट्राई ऑब्वियसली बट फिर भी आई फील दिस फुटबॉल हैज़ एन आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द फुटबॉल बट पीपल हु वॉन्ट टू प्लेड ऑन द हार्ड ग्राउंड कैन गो फॉर दिस फुटबॉल वहाँ पर आई थिंक आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी बट दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द हार्ड ग्राउंड फुटबॉल लेकिन आपको हार्ड ग्राउंड में भी काफ़ी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं सो येस यू कैन एक्सप्लोर दैट वे एज वेल सो येस आई थिंक दिस वोज एट फ्रॉम द वीडियो मैंने काफ़ी ज्यादा सोच समझ के जो भी मारा जो भी किया जितना जगल किया सब कुछ सोचा देखा सो दैट एक क्लियर मैं दूं क्योंकि बारिश में जब मैं खेला था तब मैं बहुत इंप्रेस हो गया था बट अब मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्लिप हो गया हूँ फ्लिपटी फ्लॉपटी होगी एकदम सिचुएशन सो so, यार आई डोंट थिंक आई एम सो आई मीन आई डोंट नो आई एम बींग सॉरी अबाउट द फुटबॉल बींग बैट बट आई ऑलवेज थिंक कि मैं फुटबॉल घर में जितना अच्छा बता सकूँ क्योंकि मैं सोचता भी वैसे ही ऑप्टोमिस्टिकली ही बट कहीं ना कहीं ये फुटबॉल से मुझे वो वाइब आ नहीं रही है so, सो यार दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल बता देना कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आ जाना वहाँ बात कर लेंगे इंस्टाग्राम पर रोचक फॉर स्पोर्ट्स है वहाँ पर फॉलो कर सकते हो निव्या रबोना प्रो का ये कंप्लीट रिव्यू था वन थाउजेंड एंड सिक्सटी रुपीज की फुटबॉल है ये वाली बता देना कैसा लगा जनवरी वीडियो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम